हेलो एवरीवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है आज इस वीडियो में हम आशा वर्कर भर्ती के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग जो है एक और अपडेट आई है जैसा कि आप देख सकते हैं कि खंड चिकित्सा अधिकारी थुरल यानी कि कांगड़ा से एक ब्लॉक का जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है लेकिन इसमें क्या जो है कहा गया है कि आशा वर्कर कार्यकर्ता का साक्षात्कार बीस पाँच दो को खंड चिकित्सा अधिकारी थुरल के सभागार में हुआ था जिसमें कि अधोलिखित पंचायतों से जिन प्रतिभागियों की नियुक्ति हुई है उनके नाम संबंधित पंचायतों के साथ साथ दर्शित किए गए हैं सभी अभ्यर्थी दिनांक 18 नौ 2024 को खंड चिकित्सा अधिकारी थुरल के कार्यालय में दो पीएम अपने संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो ताकि दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों समिति के साथ पूरा किया जा सके तो ये जो रिजल्ट है आपको पता है कि दो का है लेकिन अब जो है कैंडिडेट जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके जो है फिर से डॉक्यूमेंटेशन हो रही है उनके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं जो जितने भी आपको पता है है कि इसमें जो है तीन टायर के जो आपके बीडीओ सी डी और बीएमओ रहते हैं और साथ में आपके जो पंचायत के प्रतिनिधि रहते हैं उनके द्वारा जो है यहां पर आपके दस्तावेजों को उनका सत्यापन किया जाएगा तो आपके पास क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र स्थायी निवासी बोनोफाइड विद्वा ताकशुदा आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो बैंक अकाउंट आधार से लिंक और विवाह का प्रमाण पत्र और आयु का प्रमाण पत्र और दसवीं या आठवीं की मार्कशीट ये आपके पास ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये जो आप दे सकते हैं थोरल पंचायत के लिए कहाँ कहाँ ये वैकेंसीज थी और उसमें कौन कौन जो है सिलेक्ट हुआ है आशा वर्कर के पोस्ट के लिए तो आप देख सकते हैं कि पलाहा जो है आप देख सकते हैं कि बबीता देवी इनका सिलेक्शन हुआ है भरानता के लिए शिप्ता देवी का हुआ है और बटाहन के लिए रेशमा कुमारी का हुआ है हारसी के लिए नीलम का हुआ है और हम्बर के लिए पूनम देवी का हुआ है और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये छह पोस्टें जो है थुरल जो ब्लॉक के लिए थी तो इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन फिर से जो है इनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है इनके डॉक्यूमेंट को फिर से चेक किया जा रहा है तो ये आप दे सकते हैं कि ये जो है अपडेट निकल कर आ रही है और आपको न, एक दो दिन के अंदर और ब्लॉक्स के अंदर भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और एक दो दिन के अंदर आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे तो बहुत जल्द आपको अब आशा वर्कर का कम्प्लीट रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाएंगे अब धीरे धीरे हर ब्लॉक से ये रिजल्ट अब आ रहे हैं तो ये आज के लिए बड़ी अपडेट थी फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर दूंगा आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ जुड़े रहिए धन्यवाद